बाबू पड़े जा भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ साई तीर्थ से आ गए हैं, ओल्ड हेरिटेज विलेज, और वो भी गूगल मैप ऑन करके हमने आए हैं, बिकॉज हमें मिल नहीं रहा था। और आप भी आओगे ना तो ये बहुत पास है, ज़्यादा दूर है नहीं, 2 किलोमीटर के रेंज पे ही है। और यहाँ पे देखो टॉय ट्रेन भी चल रहा है, और ये सामने का व्यू है। टॉय ट्रेन का जो है एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, टिकट के साथ ही आपको ये घूमने का मौका मिल जाएगा। टॉय ट्रेन का 4-5 आइटम है यहाँ पे। छोटा सा स्टॉल है जहाँ पे हमने सिर्फ ओरियो शेक, समोसा एंड मेरे लिए गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया था, तो अभी हम इसको खा के अंदर जाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं, कहाँ हैं जल्दी बताओ। हेरिटेज साइट, हेरिटेज विलेज। विलेज तो यहाँ पे अभी फ्री के कुछ राइड्स वगैरह भी है, मैजिक शो है, तो जाके देखते हैं कैसा क्या है। और अभी अभी क्या खाए हैं, गार्लिक ब्रेड, समोसा एंड ओरियो शेक। तो फटाफट से अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या राइड में मिलता है। इतनी सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। गए हैं एंटर, और ये देखो कितना सुंदर है ना, फोटो ले लो आप। ये थोड़ा थोड़ा व्हाइट है, तो सफारी जैसा हल्का हल्का फील नहीं हो रहा है, रीवा में जैसे था। एक्चुअली साई ओल्ड हेरिटेज विलेज, तो ये एक ऐसा सेटअप किया गया है जैसे साई बाबा का विलेज हुआ करता था, सेम उस टाइप का है। और यहाँ पे ना साई टेंपल में या फिर ओल्ड विलेज में, यहाँ पे जो डॉग्स रहते हैं उनको इतना ज़्यादा अच्छे से रखा जाता है, कोई मारता नहीं है, कुछ नहीं करता, बिकॉज साई बाबा को डॉग्स बहुत प्यारे थे, ये तो सभी जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो मैं बता दी। और यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है, मुझे सच में अपना गांव याद आ गया। और एकदम सेम सेटअप, ऐसा लग रहा है ना कि आप साईं बाबा के गांव में आप स्वयं आ गए हो। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, मैं वो एक पल जी रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टैचू हैं, और पीछे पूरी कारीगरी की गई है, ड्राइंग है, और बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो अगर आप शिरडी आते हो ना, एक साईं तीर्थ, और यहाँ पे साईं ओल्ड हेरिटेज विलेज ज़रूर आइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, और बच्चों को भी बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है। अंदर खाने पीने के लिए भी बहुत सारे, मतलब बहुत नहीं है, बट फिर भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, स्टॉल्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर फोटो सेक्शन हो रहा है। पता नहीं आप, मैं भूल गई। जेब्रा भी है बाबू। अरे डुप्लीकेट, वही हुआ, यहाँ पे सब डुप्लीकेट ही है ना। ठीक है, लाइनर ऊपर बस जा, ऊपर बस ना, भेंगे जाबे। है बांग रे। एलिफेंट बाबू ना, बस में ना दाड़ी थको, फोटो उठा वो। ये फोटोग्राफर
ये जा जा इधर के तरफ देखो पापा की तरफ উপরে হাত রাখো হ্যাঁ দেখো আমার দিকে দেখো পাপার দিকে তো ये টেলিস্কোপ देखने को मिला है हमारे टाइम पे हुआ करता था बाबू देखो हाँ दस रुपए कितने पैसे होते हैं चलो एक तो चलो पैसे बोल रहा हूँ अरे चलो तो आपको समझ में नहीं आता यार अंकल क्या बोल रहे हैं देखना है ये बचपन के दिन हम मिलते हैं और रूम पे जाएंगे देखो देखो तीनों को देखो फोटो ले लो फोटो फोटो ले लो तो बाबू को पीनी है अभी वाटरमेलन जूस इसलिए हम इधर आ गए हैं और जाना है टॉय ट्रेन में देखना कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे बोलो ये देख ओके ओके सही है फिर मैं मैडम हेलो थोड़ा सर आगे लेके बैठने का चाहते समय झटका बैठेगा इधर लगता है सही है तो उधर से आते समय okay, okay, हाँ? सही ओके चालू करो हाँ थोड़ा सर आगे झटका तो दे दिया पूरा बाबू देखो रोप पे किधर चढ़े अपन रोप पे कहाँ पे अच्छा रुसेगर भीतर है तारा बाकी जिन सब तो बहुत अच्छी है टेफलन टेफलन सब फर्स्ट वहाँ चढ़े थे ना मैयर हाँ हाँ रुसेगर भीतर है हाँ 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 तो रूस से पानी डाल कोई लोग मत जाए ना लोगे बोले मुफास मत हाँ पर हेलो वीडियो चालू है कलर वीडियो तो अभी रोप वे के बाद हम आ गए हैं टॉय ट्रेन में टॉय ट्रेन के बाद हम आ गए हैं खतरों की खिलाड़ी वाले स्टंट करने तो पहले ये करेंगे फिर मैं वीडियो नीचे फोटो नहीं नीचे बाबू पड़े जा भी बाबू
चल चल ताड़ा ताड़ी जा तो फाइनली हमारा टाटा बाय 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 हो रहा है। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। क्या नाम है फिर से भूल गई? साई ओल्ड हेरिटेज विलेज से लास्ट टाइम व्यू। बाबू सबसे पहले चल रहा है। तो अभी फिर से हम लोग चले हैं शॉपिंग को। बाबू तो अभी फिर से हम लोग थोड़ा चले हैं शिरडी का मार्केट। आज हमारा लास्ट नाइट है शिरडी में। कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे और निकलने के बाद थोड़ा ऐसा कुछ है ना, क्या कुछ सेंचुरी वगैरह क्या है कुछ तो है, पालकी है कोपरगाँव, तो ऑन द वे पे पड़ेगा तो उधर भी हो लेंगे 15 किलोमीटर। ओके तो अभी फटाफट देखते हैं लास्ट नाइट शिरडी का मार्केट। और अच्छा लग रहा है, सुपर डुपर एक्साइटेड। कल तो हो क्या ही, बट आज फिर देखते हैं छोटा मोटा अगर कुछ अच्छा लगेगा। यस, साउथ एंड इंडियन डिशेज भी ट्राई करेंगे। और पता है आज एक अच्छी बात क्या हुई? क्या हुई बताओ? वो परिसर में एक्चुअली मेरा चैनल है, तो मैंने पूछा उनसे कि वीडियो वगैरह फ़ोटो आप मतलब लोगे क्या हमारी? तो बोले हम वीडियो शूट करते हैं। तो मैंने बोला वीडियो शूट? बोले हाँ हाँ, मतलब रिव्यू के लिए। तो फिर मैंने जब बताया कि मेरा चैनल है, तो फिर उन्होंने हमसे भी रिव्यू लिया ना, तो हमसे भी रिव्यू लिया। हाँ तो वो वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी अपने चैनल पर। तो कैसा लगेगा आप सभी को बताइएगा। फ़िलहाल मेन रोड आ गया है, तो अभी मैं रखती हूँ, नहीं तो गाड़ी से ठोकर हो जानी पक्की है। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट मार्केट में। बाय बाय। शॉपिंग तो ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने, बट थोड़ा सा व्यू मैं दिखा दे रही हूँ। ये गली है, सामने मंदिर है, और भूख लग गई थी तो सबसे पहले हमने कुछ खा लिया। उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा बहुत 2-3 आइटम्स मैंने लिया है, बाकी कुछ ज़्यादा लिया नहीं है, और ज़्यादा मैं आगे शूट भी नहीं की हूँ। नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट। अभी हम चेकआउट कर चुके हैं और जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी है वो बस पूरी हो रही है। इधर बाबू अपनी जेसीबी के साथ, एंड अभी हम बस देखो इधर हस्बैंड भी आ गए, तो अभी हमें बस निकलने वाले हैं। साई पालकी करके एक है मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा दर्शन कर लेंगे, फिर हम मालेगांव छोड़ेंगे। ओके तो फटाफट से सामान रख लेते हैं। से सीधा निकल गए। तो ये है कोपरगाँव का वो मंदिर, और काफ़ी अच्छे से जाए थे, इंडिपेंडेंस डे था। आई नो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट ठीक है, किसी दिन एक्सप्लेन कर दूँगी। फ़िलहाल ये मंदिर देख लीजिए कितना सुंदर सजाया गया है। और लकीली उस टाइम उस दिन था मंडे, इंडिपेंडेंस डे के दिन, तो काफ़ी अच्छा और बहुत भीड़ था, क्योंकि श्रावण का आखिरी सोमवार था, इसलिए भीड़ भी काफ़ी थी। लेकिन इतना सुंदर साईं बाबा को सजाया गया था, हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसके कलर में काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो मंदिर से बाहर आते इतना बड़ा उनका परिसर है, काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर छोटे छोटे और भी सामने जो 3 मंदिर हैं वो हैं। और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं ना, तो यहाँ पर कार टैक्सी सब खड़ी रहती है। काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम शांत शांत माहौल था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, तो ऐसे ही मंदिर में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, जहाँ भीड़ कम रहती है। तो यहाँ पे हम तीनों दर्शन कर ले रहे हैं, और व्यू काफ़ी अच्छा था, वेदर काफ़ी अच्छा था। और इस टाइप का मंदिर जहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो, उधर जाने से ना एक अलग मन में शांति का एहसास होता है, ऐसा मतलब पर्सनली मेरा मानना है। जोर से आप रिपोर्टर जैसे बात मत करो। फोटो नहीं बे तुम्हारे आस्ते
ये है साईं बाबा तपोभूमि, मामा की भूमि है। तो अभी हम निकल गए हैं अपने बसेरी की तरफ और घर जा रहे हैं फाइनली। तो शिरडी का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, इसके आगे कुछ भी मैंने शूट नहीं किया है। होप तीनों पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दो पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, चेकआउट कर लीजिएगा। और बस बारिश स्टार्ट हो गई है तो अभी फटाफट से घर जाएंगे, और जो बाकी काम है वो सब तो मेरा डेली रूटीन रहेगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।